आज का टॉपिक है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है मॉन्ड्स प्रोसेस और दूसरी होती है व्हेन आर्कल मेथड। मॉन्ड्स प्रोसेस जो होती है वो निकल की रिफाइनिंग के लिए होती है, वहीं व्हेन आर्कल टाइटेनियम की रिफाइनिंग के लिए होती है। अब इन प्रोसेसेस में क्या होता है इसको समझते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग में सबसे पहले जिस भी मेटल को हम प्योरीफाई करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब उसकी इम्प्योरिटी से अलग करना चाहते हैं, तो उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो किसी गैस के साथ मिलकर एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाए और फर्दर उसको हीट करने पर और हाई टेम्परेचर पर वो वोलेटाइल कंपाउंड ब्रेक हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे निकल है, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर NiCO4 बनाएगा, टेट्राकार्बोनिल निकल बनाएगा, तो ऐसा होगा 350 केल्विन पर। अब ये जो कंपाउंड होगा ये वोलेटाइल कंपाउंड होगा। जब हम इसको 450 केल्विन पर हीट करेंगे, 450 केल्विन, तो निकल अलग फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा और 4CO गैसियस फॉर्म में अलग निकल जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। तो 350 में टेट्राकार्बोनिल निकल बनेगा जो कि वोलेटाइल कंपाउंड है, इसको फर्दर हीट करने पर निकल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल जाएगा और 4CO अलग हो जाएगा। मतलब पहली बात तो उस मेटल को एक गैस के साथ मिलकर वोलेटाइल कंपाउंड बनाना पड़ेगा और फर्दर हीट करने पर और फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने पर उसको ब्रेक होना पड़ेगा। इसको अपन डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। जैसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, मतलब निकल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब निकल के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी हैं, वो इम्प्योरिटी हो सकती है SiO2, फर्दर क्ले हो सकती है, सैंड हो सकती है SiO2, और भी अदर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, और भी अदर ओर्स हो सकते हैं। तो इस कंटेनर में हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इंजेक्ट करेंगे, तो निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर NiCO4 बना लेगा। तो ऐसा हुआ NiCO4, और बाकी सारी इम्प्योरिटीज़, ये जो इम्प्योरिटीज़ थी, ये बाकी सारी इम्प्योरिटी यहीं नीचे ही रह गई। क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल कंपाउंड नहीं बनाती कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमने इसमें इस कंटेनर में इंजेक्ट करी, जिससे क्या हुआ, निकल ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर निकल टेट्राकार्बोनिल बना लिया जो कि वोलेटाइल है। ऐसा 350 केल्विन पर हुआ। अब जब हमने थोड़ा सा टेम्परेचर हीट करा तो टेट्राकार्बोनिल निकल वोलेटाइल था तो ये एवोपरेट हो गया। वहीं इम्प्योरिटी ने ऐसा कोई कंपाउंड बनाया ही नहीं तो वो साथ में वोलेटाइल होके ऊपर एवोपरेट भी नहीं होगी। अब ये वोलेटाइल हुआ तो अब हमने ऐसा किया, ये जो टेट्राकार्बोनिल वोलेटाइल कंपाउंड था इसको हमने एक दूसरे कंटेनर में स्टोर कर लिया। तो ये जितना भी वोलेटाइल टेट्राकार्बोनिल निकल था ये दूसरे कंटेनर में स्टोर हो गया NiCO4। फिर जब हमने इसे 450 केल्विन पर हीट करा तो निकल नीचे प्रेसिपिटेट हो गया सॉलिड फॉर्म में और 4CO ये गैसेस एवोपरेट हो गई एटमॉस्फियर में। तो इस तरीके से हमने निकल को एक्सट्रैक्ट किया। अब निकल में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किया। व्हेन आर्कल मेथड में देखते हैं, व्हेन आर्कल मेथड में हम आयोडीन का यूज करेंगे। इसमें टाइटेनियम प्लस आयोडीन फॉर्म्स TiI4। ये लो टेम्परेचर पे बनेगा, फिर फर्दर हम इसे हीट करेंगे तो टाइटेनियम
प्रेसिपिटेट हो जाएगा कंटेनर में नीचे और 2I2 वोलेटाइल होने की वजह से एवापोरेट हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में नीचे मिल जाएगा। तो टेट्रा आयोडो टाइटेनियम, तो ये सॉलिड था, आयोडीन से मिलकर इसने वोलेटाइल कंपाउंड बनाया और उसको फर्दर हीट करने पर, कुछ 1800 केल्विन पर हीट करने पर टाइटेनियम नीचे प्रेसिपिटेट हो गया और आयोडीन वोलेटाइल फॉर्म में एवोपरेट हो गया।